दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिग बॉस भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्रोवर्सी रियलिटी शो है और बात करें इस शो की टीआरपी की तो ये टीआरपी में सबसे आगे चल रहा है। दोस्तों, बिग बॉस 16 के विनर को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एस्ट्रो न्यूरोलॉजिस्ट भाविक सांघवी ने बिग बॉस 16 के विनर के बारे में बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस 16 के टॉप कंटेस्टेंट और विनर के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी विनर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट के तहत कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भविष्य बता चुके हैं और अब इन्होंने बिग बॉस 16 के विनर के बारे में भी बता दिया है। उन्होंने एमसी स्टैन के बारे में बात की है। उनका कहना था कि एमसी स्टैन भले ही घर में एक्टिव नहीं, लेकिन उनके बिग बॉस के घर के बाहर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उन्हें सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एमसी स्टैन वोटिंग पोल में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भावेक ने एमसी स्टैन के विनर होने के बारे में बात करते हुए ये बताया है कि वो बिग बॉस 16 के विनर नहीं बन सकते। भले ही उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका शो में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो इस शो से निकलना चाहते हैं। उनके पास बहुत पैसा है। एमसी स्टैन को शो जीतने से कोई मतलब नहीं। एमसी स्टैन के अलावा बाकी बहुत से कंटेस्टेंट हैं जो विनर बनना डिजर्व करते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एमसी स्टैन के बारे में क्या लगता है और आप किसे बिग बॉस 16 का विनर बने हुए देखना चाहते हैं। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।